भी एक सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो? क्या आप भी सोच रहे हो होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि होम्योपैथी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और उसमें से माइंड सेक्शन थ्रू प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बस की बात नहीं है, अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ? बहुत से बिगनर्स, बहुत से स्टूडेंट्स या न्यू कमर्स इस सिस्टम में कंप्लेन करते हैं कि हम लेक्चर्स कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं बहुत लोगों को, हम लोग फ्रिक्वेंटली सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर जब भी पेशेंट हमारे सामने आता है, प्रैक्टिकली क्लिनिक में हमारे पास आता है, तो हम ये चीज़ें उन्हें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हमें समझ नहीं पड़ती कि जब भी पेशेंट आता है तो पूरा ब्लैंक हो जाता है कि अब उसे क्या पूछे, अब ये केस में क्या करें, अब ये केस को मैनेज कैसा करें, रेपरेटराइज कैसा करें, रूब्रिक्स कौन से उठाएं, किस चीज़ को वेटेज दे, ठीक है ना? उसके बाद में हम लोगों को यहाँ तक तो, हम बहुत से लोग हैं कि यहाँ तक तो पहुँच जाते, उसके आगे पोटेंसी कौन सी दे, उस केस को क्योर तक कैसे ले जाए, कैसे रिपीटेशन करें पोटेंसीज का, उसके बाद में कौन सी रेपर्टरी यूज़ करें, हमें क्या करना चाहिए, तो ये सब सवाल आपके भी कुछ मन में होंगे। सो गाइज, दिस इज डॉक्टर मीनल जैन। आज मैं आप लोगों के लिए इन सभी सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। आपको होम्योपैथी प्रैक्टिस करने की आप सोच रहे होंगे तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये जो वीडियो है आज का, वो बिगनर्स के लिए है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि जिन्हें समझ नहीं पड़ रही है कि शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, कैसे हम हमारे क्लिनिक में पेशेंट को टैकल करें, उससे वो केस निकलवा के ले और उसे एक कंप्लीट सिमिलिमम दे, ठीक है? सबसे पहले आपको एक अच्छा प्रैक्टिशनर बनना है तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें फर्स्ट थिंग, यानी कि सबसे पहले ये सोचे कि हम किस टाइप की पर्सनालिटी है। हम इंट्रोवर्टेड नेचर है हमारा, एक्सट्रोवर्टेड है, हम शांत हैं, हम कैसे हैं, या हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, या हम टिमिड हैं, हम ज़्यादा बात नहीं करते। तो ये चीज़ों पर आप सबसे पहले इंट्रोस्पेक्ट करें अपने आप को, ताकि कहाँ पर फोकस करना है, कौन सी चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है, वो हमें समझेगा फर्स्ट थिंग ये। दूसरा, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखिए। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, है ना? ये ऐड तो आपने जरूर सुनी होगी। होम्योपैथी में कोई भी ऐसा डिसीज नहीं है कि जिसे होम्योपैथी क्योर नहीं कर सकती है, तो कोई भी केस लेने के लिए डरो मत। सिंपल सा कोल्ड कफ का केस है या कैंसर का केस है, कोई भी केस हो, हर एक केस में होम्योपैथी अपना काम करेंगी, डेफिनेटली करेंगी, मतलब करेंगी। पेशेंट आपके पास आता है तो कभी भी डरे ना, ये ना सोचे कि वो मुझे छोड़ कर चला जाएगा। पेशेंट आपके पास आ रहा है, इसका मतलब है उसकी मर्जी है वो आप तक के पहुंचा, अब आपका काम है कि उसे कैसे टैकल करना है, ठीक है? मन में ये डाउट रहा कि वो मुझे छोड़ कर चला जाएगा या मुझे पेशेंट छोड़ देगा, ऐसा वैसा, तो डेफिनेटली वैसा ही होगा। रोज सुबह उठ के ये कॉल दीजिए इन्वायरमेंट को कि मैं एक बहुत अच्छा होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ, ठीक है? सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हो, होम्योपैथी में अपना नाम कमाना चाहते हो, तो आपको अच्छी होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए तीन चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़ है कि आपको केस टेकिंग आना चाहिए, दूसरा रूब्रिक्स एंड रेपर्टरी का आपके पास अच्छा नॉलेज चाहिए, उसके बाद रेमेडीज का भी नॉलेज चाहिए, मतलब मटरा मेडिका का भी अच्छा नॉलेज चाहिए आपके पास, तभी आप एक सक्सेसफुल होम्योपैथ बन पाओगे, ठीक है? इसके बाद में ये तो हो गया, इसके बाद में आपको आपकी क्लिनिक इनिशिएट करना है या आपको आपकी होम्योपैथी प्रैक्टिस इनिशिएट करनी है, तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट टूल्स है? तो फर्स्ट टूल है कि आपके पास एक लैपटॉप होना ज़रूरी है, नहीं लैपटॉप है तो आपके पास एक स्मार्टफोन, उसके अंदर सिंथेसिस रेपर्टरी 9.0 ये होना ज़रूरी है, ठीक है?
जिनके पास लैपटॉप है उन लोगों ने उनके पास एटलीस्ट रडार 10 ये वाला सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए। रडार ओपस 10 है तो बहुत बेस्ट, नहीं है तो एटलीस्ट रडार 10 ये सॉफ्टवेयर तो भी आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा रेप्टराइजेशन में। बाद में आपके पास स्मार्टफोन के अंदर भी ये ऐप ज़रूरी है, सिंथेसिस इंग्लिश 9.0 ये रेपर्टरी आपके पास होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास हमेशा लैपटॉप आप कैरी कर सके, तो स्मार्टफोन तो हम हमेशा हमारे पास कैरी करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इजी वे हो जाता है कि कहीं पर भी पेशेंट अपने पास आता है या कोई आपको कंप्लेंट सुना रहा है बाहर, तो आप तुरंत उसको अपने मोबाइल में टक 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 देख के रिप्राइज करें, और एक आपको ग्रॉस आइडिया आ जाएगा कि आपको सामने वाले पर्सन को क्या देना है या किस दिशा में आप सोच सकते हैं, इसकी गाइडलाइन आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो आपके पास एक अच्छा वेब कैम होना ज़रूरी है केसेस रिकॉर्ड करने के लिए, और नहीं भी है तो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। इनिशियल डेज में मैं ये बहुत ज़्यादा मैंने ये मेरे प्रैक्टिस में यूज़ किया है, वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। अपना स्मार्टफोन होता है ना, उसके अंदर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, तो जब भी कोई पेशेंट बोलता है, कोई बंदा बोलता है या कोई कुछ भी बोल रहा है, तुरंत वो ऑन कर दीजिए और वो जो बोल रहा है उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग रहेगी, तो बार 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 उसको सुनकर आपको आपकी केस कैसे सक्सेसफुल हुई वो समझ में आएगा, या फिर तो वो फेलियर हो गई तो उसमें से अब आप क्या देखे क्या नहीं देखे क्या करना है आपको, उसकी गाइडलाइंस आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ये थी कुछ चीज़ें जो आप होम्योपैथी प्रैक्टिस इनिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो सिंपल सा मैंने सिंपल सी गाइडलाइंस दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केस टेकिंग के साथ।